जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये हमारा एक जो नया बैच चल रहा है जून का 2021 का दराज का, ये उसके लिए ट्रेनिंग का जो लाइव सेशन है वो चल रहा है। तो आज हम इंशाल्लाह प्रोडक्ट हंटिंग का जो जितना भी मिक्सअप है, यानी कि इस पूरे एक पूरी यानी कि इसके दो पार्ट होंगे इस वीडियो के। तो इंशाल्लाह इस लेक्चर के हम जो दो पार्ट रिकॉर्ड करेंगे, पहले के अंदर में इंशाल्लाह आपको ये प्रॉपर कह लेंगे हमारी जो शीट्स हैं ये मैं आपको इंशाल्लाह बता दूंगा, यानी कि जो हमारी स्लाइड्स हैं स्लाइड्स आपके साथ एक दफ़ा डिस्कस कर लूंगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम प्रैक्टिकली शीट को फिल करेंगे। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह हम अभी करते हैं। आज जो हमने करना है बेसिकली वो प्रोडक्ट हंटिंग का जो लेवल नेक्स्ट लेवल है, यानी कि हमने जितनी चीज़ें हम ऑलरेडी कर चुके हैं उनको हमने सबको सम अप करना है और हमने सबको बताना है कि किस तरह हमने उसके ऊपर काम करना है। अगर इससे पहले आप मेरा लेक्चर ले चुके हैं, पहला पुराना कोर्स आपने देखा हुआ है या इसी सेशन का जो आपने पहले वाला जो पहली वीडियो थी वो आपने देखी हो, तो उसके अंदर मैंने आपको टास्क दिया था। उस टास्क का नाम था जनरेट, आपने 10 रोज़ाना की 10 प्रोडक्ट के आइडिया जनरेट करना है। ठीक है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ कि जो लोग काम नहीं कर रहे वो उनका अपना नुकसान है, मेरा कोई नुकसान नहीं है। हमारा तो ये है कि भाई हम अल्लाह ताला की रज़ा के लिए लगे हुए हैं, कि जो सीख ले उसकी मर्ज़ी, जो ना सीखे उसकी मर्ज़ी। जो इंशाल्लाह परफॉर्म करके दिखाएगा तो मे भी इंशाल्लाह मैं खुद भी उसे ऑफ़र कर दूँ, मैं खुद उसे हायर कर लूँ। बाकियों का तो नहीं मुझे पता, लेकिन हम उसी बंदे को ऑफ़र करवाते हैं जो काम करने वाला है। अब जो काम करने वाला बंदा ही नहीं है तो हम तो फिर शायद बिल्कुल भी नहीं, शायद तो दूर की बात हम सोचेंगे भी नहीं। तो जो प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड्स हैं वो यही हैं कि उसमें हमने ये कि आइडिया जनरेट, पहले आपने ये कि प्रोडक्ट्स का आइडिया जनरेट करना है, आपने दराज के ऊपर जाना है, जाके प्रोडक्ट्स का आइडिया जनरेट करना है कि किस तरह प्रोडक्ट का आइडिया जनरेट करते हैं, किस तरह प्रोडक्ट को एवेल्यूएट करते हैं, कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जिसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये सारा आइडिया आपने जनरेट करना है। दूसरा तरीका ये है कि आपने स्टोर वॉक करना है। मैं आपके सामने स्क्रीन पर दिखाता हूँ आपने किस तरह, पहले जो आपने आइडिया जनरेट करना है वो आप किसी भी प्रोडक्ट का पकड़ लें। आप ये समझें कि वो यानी कि आपने सिर्फ प्रोडक्ट्स को गैदर करना है, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट्स आपने पकड़नी है जो बिकने वाली हैं। लेट्स अज्यूम कि हम फ्लैश सेल को खोल लेते हैं। फ्लैश सेल के अंदर जाके जब हम अंदर जाते हैं तो अज्यूम कर लें कि हम यहाँ पर देखते हैं ऐसी प्रोडक्ट्स जिन जो कि बिकने वाली हैं। यहाँ पर मुझे पहले गो में लग रहा है कि ये जो सेल्फी रिंग लाइट है, बड़ा स्टैंड है, ये एक अच्छी प्रोडक्ट हो सकती है। ठीक है, तो मैं इसे साइड पर कर देता हूँ। मैंने वो प्रोडक्ट को साइड पे कर दिया। और हैंड फ्री अच्छी प्रोडक्ट्स हो सकती है लेकिन गेटेड है, हमने इसको देख लेना, कोई बड़ा मसला नहीं है। गेटेड में आसानी ज़्यादा होती है। हम मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मुझे ये दो प्रोडक्ट पसंद आ गई हैं, ये मेरा एक आइडिया जनरेट हो गया। सही है, ये इस तरह मैंने दो आइडिया जनरेट कर लिए कि ये मेरी प्रोडक्ट है। ये तो सिर्फ एक तरीका है ना। इसी तरह आप जितने तरीके यहाँ पर मेंशन है इस स्लाइड्स के अंदर, जितने तरीके मेंशन है, स्टोर वॉक है, कैटेगरी वॉक, स्पेशल करेक्टर, सी मोर प्रोडक्ट्स है, सेलर पिक है, फ्लैश सेल है। फ्लैश सेल का तो मैंने आपको बता दिया क्योंकि ये सबसे आसान तरीका है, आप इससे जाके प्रोडक्ट्स का आइडिया जनरेट कर लें। फ्लैश सेल के अंदर बेसिकली वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि बिकने वाली हैं, जो अच्छे चलने वाली प्रोडक्ट्स हैं, तो ये वो ही आती हैं यहाँ पर। हमने ये कर दिया, मिसाल के तौर पर ये प्रोडक्ट है, मैं कहता हूँ ये वो प्रोडक्ट्स का मैंने आइडिया बता दिया आपको कि ये ऐसी प्रोडक्ट हैं जो बिकने वाली हैं। ठीक है, मैंने इनका एक रफली आइडिया आपके सामने रख दिया कि ये वो प्रोडक्ट्स हैं ये जो मैंने आइडिया जनरेट कर लिया। दूसरा तरीका है स्टोर वॉक। अच्छा, अब मैंने मिसाल के तौर पे इस ये वाला जो सेलर है, मैंने इसके स्टोर के अंदर जाना है। ये जो स्टोर है इस स्टोर की मैंने पूरी वॉक करनी है। ऑल प्रोडक्ट्स पे मैं गया, जाके मैंने देखा कि इसकी जिस स्टोर पे जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बाज़ दफ़ा ऐसे हो सकता है कि मुझे मे भी अच्छी प्रोडक्ट्स मिल जाए जो कि काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हों, वो ज़रूरी नहीं मुझे बाहर से मिल जाए, ज़रूरी शायद वो मुझे अंदर से मिल जाए। अब जैसे मैं यहाँ पर देखूँ तो ये एक प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी बेहतर लग रही है क्योंकि इसके ऊपर रिव्यूज़ भी हैं और एक इसी सेलर ने काफ़ी जगह लगाई भी हुई है ये प्रोडक्ट, और बिक भी रही है लकीली, इसकी काफ़ी जगह बिक भी रही है ये प्रोडक्ट। तो हम इस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, तो मैं कहता हूँ वाई नॉट कि इसको हम एक दफ़ा कंसिडर कर लें। तो ये एक प्रोडक्ट, मतलब मैं कहता हूँ ठीक है, मुझे एक प्रोडक्ट ये मिल गई। इसी तरह मैंने यानी कि प्रोडक्ट्स को मैंने एवेल्यूएट करते जाना। अब मैं एक दूसरे स्टोर की वॉक में जाता हूँ, इस स्टोर की मैं ऑल प्रोडक्ट्स पे जाता हूँ।
ऑल प्रोडक्ट्स पे जाके मैं, ये मोबाइल एक्सेसरीज का बेसिकली लग तो ऐसा नहीं, ये मिक्स ही स्टोर है, ये जनरल कैटेगरी का स्टोर है, यानी कि इसके अंदर सब कुछ ही बिकता है। तो हम आ गए हैं, हम यानी कि प्रोडक्ट्स को देखते रहते हैं, हम इसमें से देखते हैं कि जो प्रोडक्ट हमारे काम की है। एक और तरीका है कि आप स्टोर के अंदर जब आएँ, आप यहाँ पर आगे वन स्टार का फिल्टर अप्लाई कर दें। जब आप वन स्टार का फिल्टर अप्लाई करेंगे, यहाँ पर आपके सामने वो प्रोडक्ट आएंगे जो बिकने वाले हैं, जिनके ऊपर रिव्यूज़ हैं, सिर्फ वही प्रोडक्ट नज़र आएंगे। तो मैं यहाँ पर देखता रहता हूँ कि मतलब मुझे कौन सी प्रोडक्ट पसंद नज़र आती है। तो मैं देख रहा हूँ कि कौन सी प्रोडक्ट है जो कि बिकने वाली है, जो कि अच्छा रिस्पॉन्स है, जिसके ऊपर अच्छे रिव्यूज़ भी हैं। तो इसकी टॉप के ऊपर ही कुछ रिव्यूज प्रोडक्ट है, जैसे हैंड फ्री है और डाटा केबल है, ये भी हैंड फ्री है। तो ये इसकी कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो बिकने वाली हैं, जो कि अच्छी प्रोडक्ट्स हैं। तो मुझे यहाँ से भी आइडिया मिल गया कि कैसे मैंने स्टोर वॉक, जब मैंने स्टोर को वॉक किया, तो मैंने किस तरह आइडियाज़ जनरेट करने हैं। फिर मेरा दूसरा तरीका है, यानी कि जो तीसरा हमारा तरीका है, वो है कैटेगरी वॉक, कि हमने कैटेगरी वॉक करनी है। मिसाल के तौर पर मैं दराज के ऊपर आता हूँ, और दराज के ऊपर आके मैं दराज के ऊपर आता हूँ, और दराज के ऊपर आके ये लेफ्ट साइड पे कैटेगरीज दी हुई हैं। अब मैं वन बाय वन कैटेगरीज को एक्सप्लोर करना शुरू कर देता हूँ। जैसे पहले एक इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके अंदर मोबाइल है, मैं मोबाइल फ़ोन को खोल लेता हूँ। फिर फीचर मोबाइल है, टैबलेट्स है, लैंडलाइन फ़ोन है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, स्मार्ट वॉचेज हैं, मैं इसे भी खोल लेता हूँ। फिर गेमिंग कंसोल्स हैं, कैमराज, ड्रोन है, सिक्योरिटी कैमरा, इंश्योरेंस प्रोटेक्शन, रेवन्यूड है, ये सारी चीज़ें। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आ जाता हूँ, मैं मोबाइल एक्सेसरी के अंदर चला जाता हूँ, हेडफोन्स के, वेरेबल के, इन सारी कैटेगरीज को मैं वन बाय वन करके देखता रहता हूँ। तो मैं पूरी हर कैटेगरी को मैं हर कैटेगरी को फिर वन बाय वन करके एवेल्यूएट करता रहूँगा कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी है जो कि जिसके ऊपर मैं काम कर सकता हूँ। जैसे मैंने पहले मोबाइल फ़ोन खोला था, तो मैं ये मिसाल में मोबाइल फ़ोन तो बहुत बड़ी कैटेगरी है, ये तो रिकमेंडेड ही नहीं है, क्योंकि और ऑब्वियसली ये ब्रांडेड ही है सारी चीज़ें। ये ऐसी कैटेगरी है जो कि स्मार्ट वॉचेज हैं, ये हम कर सकते हैं, अगर हम अफोर्ड कर सकते हैं या हम करना चाहते हैं तो स्मार्ट वॉच को हम कर सकते हैं। तो ये मुझे मिसाल में आप देखें ना, मैंने स्मार्ट वॉचेज को लिखा था, तो यहाँ पर 19,000 लिस्टें आ गई। मैं यहाँ पर जाके वन स्टार का फिल्टर अप्लाई करता हूँ, तो 1600 लिस्टें ऐसी हैं जो कि एक्टिव हैं, बाकी ऐसे ही हैं जो जिन्होंने लगाई हुई है, वल्लाह में से दुआएं मांग रहे हैं कि आप ऑर्डर आएंगे। तो ये मुझे एक तरीका मिल गया। अब इसी तरह मैंने मतलब मोबाइल एक्सेसरीज को खोला था, मोबाइल एक्सेसरी के अंदर मैंने आके स्टोर वॉक के ज़रिए ये यहाँ पर मतलब मैं सब कुछ फिल्टर्स लगाता जाऊँगा अपनी आसानी के लिए। मैंने वन स्टार का फिल्टर लगाया, फिर उसके अंदर मुझे ये प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं जो कि मोबाइल एक्सेसरीज हैं, यानी कि मोबाइल की ऐसी आइटम्स हैं जो कि हैं। इसके अंदर भी मैं डिफरेंट बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे फ्री शिपिंग है, कैश ऑन डिलीवरी है, दराज मॉल है, मैं ब्रांड्स को कर सकता हूँ। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने एंड पे कर सकता हूँ। तो मैं मतलब जो मुझे आसानी पसंद आती है, मैं वो करता जाऊंगा। तो ये वो सारी चीज़ें जो कि मैं अपने एंड पे प्रोसीड कर सकता हूँ जी। तो ये भी हमारी कैटेगरी वॉक हो गई, कि हमने इस तरह हेल्थ एंड ब्यूटी के अंदर आता हूँ मैं, और मतलब इसमें बहुत सारी हैं, मेकअप के अंदर चला जाता हूँ। तो मेकअप के अंदर यानी कि हम मेकअप की प्रोडक्ट्स को देखना शुरू कर देते हैं, तो यहाँ पर हमें मेकअप की प्रोडक्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। हम देखेंगे कि कौन सी प्रोडक्ट्स हैं जो कि बिक रही हैं, कोई ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो कि जिनके ऊपर हम काम कर सकते हैं। तो ये पूरा एक प्रोसीजर है हमारा, कि हम इसको किस तरह यानी कि कैटेगरी वॉक के ज़रिए हर चीज़ को मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद है हमारा स्पेशल करेक्टर। स्पेशल करेक्टर क्या होता है, दराज के ऊपर जब आप जाते हैं सर्च बार के ऊपर, जैसे ये सर्च बार है, तो मैं यहाँ पर जाके कुछ भी टाइप करता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं ये जो इम्पोर्टेंट का मार्क है, ये टाइप करता हूँ, मैं हैश अप्लाई करता हूँ, मैं डॉलर साइन करता हूँ, मैं परसेंटेज का साइन करता हूँ, या फिर मैं एंड का साइन करता हूँ, या फिर मैं स्टेरिक करता हूँ, मैं इसे एंटर करता हूँ। इनमें से कोई भी कीवर्ड आप एंटर करें, जब आप एंटर करेंगे तो आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे। इनमें मोस्टली कुछ केसेस में यानी कि मोबाइल कवर्स आ रहे होते हैं, तो आपने मोबाइल कवर्स को ज़्यादा फोकस नहीं करना। ऑल्टा मोबाइल कवर भी एक अच्छी प्रोडक्ट है, लेकिन ये है कि इसके अंदर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होती हैं, यानी कि हर रोज़ कोई मोबाइल आ रहा होता है, बहुत सारा वेरिएशन का हिसाब होता है। तो आप ये अपने मुताबिक, अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इस चीज़ को देख के मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से आप फिल्टर्स लगा लें, जैसे भी आप करें, तो इट्स अप टू यू, ये आप ये भी कर सकते हैं। फिर सी मोर प्रोडक्ट्स है, ये सिर्फ स्टेरिक नहीं, आप कुछ भी, जैसे ये इंपॉर्टेंट वाला मार्क मैंने कहा है, आप ये सर्च कर लें,
इसके बाद आप कोई और भी कुछ भी लाइक हैशटैग सर्च कर लें, आप कुछ भी सर्च करें, आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आती हैं, ये मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स आती हैं इकट्ठी। फिर आप ये लिखें सी मोर प्रोडक्ट्स, उसमें ये है कि आपके सामने बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं। ये डिपेंड करता है कौन सी प्रोडक्ट आती हैं, बाज़ दफ़ा ये मोबाइल की प्रोडक्ट्स आती हैं, बाज़ दफ़ा ये मतलब डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं यहाँ पर। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक यहाँ पर प्रोडक्ट्स को चेक कर लीजिएगा, आप अपने क्राइटेरिया को देखें, क्राइटेरिया को देखने के बाद आप इस चीज़ को प्रोसीड करें, अपनी प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें जो आपको लगता है कि आपके मुताबिक है, आपके यानी कि आपके रिक्वायरमेंट्स के ऊपर पूरी है, तो उस प्रोडक्ट को आप कर लें। तो ये एक तरीका है हमारे पास। दूसरा हमारे पास है सेलर पिच। जब आप किसी भी प्रोडक्ट, जैसे मैंने सी मोर किया था, तो यहाँ पर ना नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेलर पिक का। ये आप जब भी कोई भी प्रोडक्ट सर्च करते हैं, जैसे मैंने स्मार्ट वॉच का खोला था, स्मार्ट वॉच के नीचे भी यहाँ पर सेलर पिक का ऑप्शन आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स आ रही होती हैं जो सेलर पिक की होती हैं। तो हमें सेलर ये हमें ये देखना होता है कि सेलर पिक में हमें ये देखना है, मिसाल के तौर पर अगर सेलर पिक के अंदर ना 12 प्रोडक्ट आती हैं मैक्सिमम, तो ये पहले 4 हैं, फिर अगली 4 हैं, फिर उसके बाद अगली 4 हैं, तो 12 प्रोडक्ट्स हैं। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जैसे जो कि 12 की 12 हैं, बाज़ दफ़ा यहाँ पर कम प्रोडक्ट्स भी होती हैं, जहाँ पर अगर कम प्रोडक्ट्स हैं तो इसका मतलब है कि ये ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर कोई इतने ज़्यादा रिस्पॉन्स अच्छा नहीं है। तो मतलब अगर यहाँ पर कोई कम प्रोडक्ट्स हैं नज़र आ रही हैं आपको, तो इसका मतलब है कि वो इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है, तो उसको आप निगलेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जब अगर कोई प्रोडक्ट 12 की 12 यहाँ पर ऐड हैं और उसमें आपको लग रहा है वो कंसिस्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पर कुछ भी सर्च करते हैं, लाइक कुछ भी कर लेते हैं, तो मुझे ट्रैवल बैग चाहिए, सही है। अब मैंने ट्रैवल बैग सर्च किया तो मेरे सामने बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने क्या करना है कि मैं सिंपली जाता हूँ और जाके मैं नीचे चला जाता हूँ, ठीक है। जब मैं नीचे जाता हूँ तो मैं क्या देखता हूँ कि इसकी सेलर पिक आ रही है, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा सा आई गेस कोई इंटरनेट का इशू है गालबन आज, तो ये यहाँ पर ये सेलर पिक, ये वाली जो प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं आपको, ये सेलर पिक की प्रोडक्ट्स हैं। सेलर पिक की प्रोडक्ट्स को मैं जाऊँगा, मैं जाकर उनको अच्छे तरीके से एवेल्यूएट करके मैं देख लूँगा कि ये प्रोडक्ट्स मेरी रिक्वायरमेंट पर पूरी होती हैं या नहीं होती। तो ये एक पूरा प्रोसीजर है जिसको मैं गो थ्रू कर सकता हूँ, ठीक है। ये हम इस चीज़ को भी अडॉप्ट कर सकते हैं। दूसरी यानी कि सेलर पिक एक ऐसी, सेलर पिक में प्रोडक्ट्स वही आती हैं जो कि बिकने वाली होते हैं। सेलर पिक का क्राइटेरिया ये है कि आपके स्टोर पे 3 प्रोडक्ट्स हों, आपका चैट रिस्पॉन्स अच्छा होना चाहिए, आप मतलब बहुत सारा चार चीज़ें हैं उसके अंदर। तो वो सारी चीज़ें आपने मेंशन वहाँ पर गौर फिक्र करके वो देख लेनी है। यानी कि जो सेलर पिक के अंदर प्रोडक्ट्स हैं ऑब्वियसली वो बिकने वाली हैं, यानी कि ऊपर उनके ऊपर अच्छा खासा रिस्पॉन्स आता है। तो ये आप अपने अंडर पे एक दफ़ा मेक श्योर कर लें, तो देन वाई नॉट यू आर गुड टू गो। तो ये सेलर पिक की जो प्रोडक्ट्स होती हैं आप इनको देख सकते हैं। जो लास्ट तरीका हमारे पास है वो है फ्लैश सेल का। फ्लैश सेल में जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जब आप लैपटॉप के ऊपर आते हैं तो आपको फ्लैश सेल नज़र आ रही होती है, तो फ्लैश सेल के अंदर आप जाते हैं, जाके सी मोर प्रोडक्ट्स करें और यानी कि देख लें कि कौन सी प्रोडक्ट ऐसी हैं जो कि यानी कि बिकने वाली हैं। जैसे फ्लैश सेल के अंदर वही प्रोडक्ट्स आती हैं जो कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट होती हैं, जो कि बिक रही हैं ऑलरेडी, तो आप उनसे अपना आइडिया जनरेट कर लें। अच्छा, ये तो मैंने मेथड्स बता दिए कि इतने मेथड्स हैं हमारे पास कि किस तरह हमने प्रोडक्ट हंट करनी है। अब हम आते हैं क्राइटेरिया की तरफ। क्राइटेरिया हर इंसान का डिफरेंट हो सकता है, तो मैंने जो क्राइटेरिया लिखा हुआ है ये जनरल क्राइटेरिया, ये हर इंसान के लिए इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन आप अपनी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक क्राइटेरिया बना सकते हैं। हमारा जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल इससे सिमिलर है, यानी कि ऑलमोस्ट इसका 80-90% है। कुछ चेंजेस हैं हमारी क्राइटेरिया के अंदर, वो अलग हैं, लेकिन यह है कि ये ऐसा क्राइटेरिया है जिसे हर बंदा अडॉप्ट कर सकता है। तो इसके अंदर यह है कि आपकी प्रोडक्ट की प्राइस 50 रुपये से लेके 1000 रुपये के दरमियान में हो सकती है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 50 रुपये से लेके 100 रुपये तक जाना है, 50 से 200 तक जाना है, या 50 से 1000 तक जाना है, इट्स अप टू यू। जो लिस्टिंग है वो 3 महीने से पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि अगर 3 महीने से नई लिस्टिंग है, 3 महीने से कम एज है लिस्टिंग की, तो इसका मतलब है वो
ब्लीडिंग कर रहा है वो बंदा, यानी कि वो वीवीआरओ कर रहा है, इसलिए आप उसे ट्रैक करेंगे तो उसकी सेल्स वो वाली नहीं आएंगी। 20 रिव्यूज होने चाहिए 10 लिस्टों के ऊपर, जो पहले पेज के ऊपर लिस्टें आती हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास जो पहले मैंने स्मार्ट वॉच की जो मैं कैटेगरी में आया था, जैसे ही मैं कैटेगरी के अंदर आता हूँ, यहाँ पर 20 लिस्टें ऐसी, 20 बंदे ऐसे होने, 10 बंदे ऐसे होने चाहिए जिनके पास 20 20 रिव्यूज़ हों। पहले के पास 100 हैं, अगले के पास 70 हैं, फिर 132 हैं, 40 हैं, यानी कि एक ऐसी प्रोडक्ट मैं देख रहा हूँ, ये वाली एक ऐसी प्रोडक्ट है। हाँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, ऑल्दो ये तो कैटेगरी है ना पूरी, कोई वाउच नहीं है स्पेसिफिकली। तो ये एक मिसाल के तौर पर ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके अंदर अच्छी रिव्यूज़ हैं। चलो हम ऐसा करते हैं कि हम कोई ऐसी ही प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं जिसके ऊपर आज हम काम कर सकें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ मी बैंड, हम स्मार्ट वॉच के ऊपर ही काम कर लेते हैं। मैंने जैसे मी बैंड लिखा तो मेरे सामने ये तकरीबन 7,300 लिस्टें आ गई। अब मैंने यहाँ पर, मैंने आपको क्या बताया, जो अभी मैंने आपको क्राइटेरिया बताया, ये देखें कि यहाँ पर 10 लिस्टें ऐसी होनी चाहिए जिनके पास 20+ रिव्यूज़ हों। तो मेरे पास पहली प्रोडक्ट ऐसी है जिसके पास 3 रिव्यूज़ हों, कोई मसला नहीं है। तो ये अगले प्रोडक्ट ऐसी है जिसकी 184 हैं, फिर 40 हैं, फिर 22 रिव्यूज़ हैं, फिर 10 हैं, फिर 8 हैं, फिर 9 हैं, फिर 10 हैं, फिर 7, 11, 18 हैं, 3 हैं, 9 हैं, 2, 4, 1, 2, 10 रिव्यूज़ हैं, फिर 4 हैं, फिर 3 हैं। और सेलर पिक के अंदर जब हम आते हैं तो ये एक के पास 277 रिव्यूज़ हैं, 3 हैं, फिर 700 रिव्यूज़ हैं, फिर 300 रिव्यू, 400 रिव्यूज़ हैं ऑलमोस्ट, फिर 400 रिव्यूज़ हैं, तो करीब 300 रिव्यूज़ हैं, 15 रिव्यूज़ हैं, 3 रिव्यूज़ हैं, फिर 11 हैं, 14 हैं, 21 हैं। तो यानी कि ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसके ऊपर हैं, ये मैंने जो आपको बताया है ना कि यहाँ पर एवरेज यानी कि 20 रिव्यूज़ होने चाहिए, 20+, इसका मतलब है अगर 7-8 प्रोडक्ट्स के पास अच्छे रिव्यूज़ हैं तो हम उस प्रोडक्ट को कंसिडर कर सकते हैं, इसका मतलब है वो प्रोडक्ट बिकने वाली है। ठीक है, तो ये तो हो गया। अच्छा, इसके अंदर एक और चीज़ हम ऐड कर लेते हैं जो कि ऐड की जा सकती है, वो ये हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर कि यानी कि अच्छा, आजकल क्योंकि हम न्यू प्रोडक्ट्स पे भी काम करते हैं तो हम न्यू प्रोडक्ट्स को भी देख लेते हैं कि न्यू प्रोडक्ट का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। ये वो क्राइटेरिया जो कि ऑलरेडी पाकिस्तान में सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं, हम उन्हीं को करें, और ये वो वाला क्राइटेरिया इंशाल्लाह हम रखेंगे जिसके अंदर यानी कि जिसके अंदर वो होना चाहिए कि यानी ये वो वाला क्राइटेरिया हम रखेंगे जो प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में एग्जिस्ट ही नहीं करती, उनको हमने पाकिस्तान में लेके आना है। तो हम कहते हैं कि प्राइस रेंज उनकी भी यही होनी चाहिए, जो लिस्टिंग है वो 3 महीने, क्योंकि है ही नहीं एक प्रोडक्ट, तो ये वाला भी अप्रोच नहीं करता। गेटेड प्रोडक्ट नहीं होनी चाहिए वो वाली जो हम करेंगे, उसमें मिनिमम प्रॉफिट मार्जिन हमारा 25% होना चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर अमेजोन के, अगर हम अमेजोन से देख रहे हैं तो अमेजोन के ऊपर डेली के 100 ऑर्डर्स होने चाहिए एटलीस्ट। अगर अलीबाबा पे देख रहे हैं तो अलीबाबा पे उसके जो सप्लायर हैं वो ज़्यादा सप्लायर होने चाहिए, मिनिमम 100 सप्लायर तो होना चाहिए उस प्रोडक्ट का। सही है, उस प्रोडक्ट का मिनिमम 100 सप्लायर तो होना चाहिए अलीबाबा के ऊपर। तो ये एक रफ सा क्राइटेरिया है कि हमने किस तरह एक अमेजोन की जो ऐसी प्रोडक्ट देखनी है जो कि अवेलेबल ही नहीं है मार्केट के अंदर, और एक हमने इस तरह की प्रोडक्ट देखनी है जो कि यानी कि पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो ये तो हमारा एक बेसिक सा क्राइटेरिया है। जी, तो ये वाला जो क्राइटेरिया है हमारा वो प्रोडक्ट्स है जो कि पाकिस्तान में ऑलरेडी बिक रही है, और ये वाला हमारा वो क्राइटेरिया जो कि पाकिस्तान में नहीं बिक्री, एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो हमने ये उसका मिनिमम हमारे पास कैप होना चाहिए। जब हम पाकिस्तान में काम कर रहे हैं तो वो प्रोडक्ट गेटेड नहीं होनी चाहिए, लोकल प्रॉफिट, लोकल सोर्सिंग में उसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 15% होना चाहिए, और चाइना सोर्सिंग में उसका प्रॉफिट मार्जिन मिनिमम 25% होना चाहिए। तो ये एक रफ सा क्राइटेरिया हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, तो
अब हम इसी के ऊपर हम प्रोडक्ट को हंट करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ ये वाली जो प्रोडक्ट है ये अच्छी है, मैं इसकी तरफ जाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ कि मैं इसकी कुछ लिस्टें ओपन कर लेता हूँ। मैं आप ठीक है, तो ये वाला मैंने आपको बता दिया। मिसाल के तौर पे आज मैं जो आपको शीट फिल करके बताऊंगा कि हाउ टू फिल अ शीट, जो हमारी एक्सेल की शीट है उसको जब मैं बताऊंगा तो मैं इंशाल्लाह आपको यानी कि उसके अंदर देख लूंगा कि मैं किस तरह हम इस प्रोडक्ट के ऊपर बेसिकली आज काम कर रहे होंगे, ठीक है। तो दूसरा ये लिंक हो गया हमारा, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा ये हो गया, छठा ये हो गया, सातवां ये, और ग्यारहवां ये, आठवां ये, ग्यारहवां, एक ये बंदा हो गया, एक ये बंदा हो गया। अच्छा, यहाँ पर कंपटीटर किस तरह सेलेक्ट करनी है ये भी एक सवाल बन सकता है। आप दोनों तरह से कंपटीटर सेलेक्ट कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। रिकमेंडेड ये है कि जो पहले टॉप 10 वाले बंदे आ रहे हों, टॉप 10 को दराज मॉल के बंदों को छोड़ के, उसके बाद जो टॉप 10 के बंदे आ रहे हैं वो आप सेलेक्ट कर लें, वो आप समझें कि आपके कंपटीटर हैं टॉप 10 के। ना कुछ लोग टॉप 5 ही करते हैं, लेकिन हम लोग टॉप 10 को रिकमेंड करते हैं, ठीक है, कि आप टॉप 10 को एटलीस्ट कंसिडर करें। अच्छा, ये इसकी कैटेगरी है, सही है, और ये मैंने 10 यूनिट्स खोल ली आपके सामने। अब मैं क्या करता हूँ जनाबे वाला, मैंने आपको दिखानी है अपनी एक्सेल शीट, कि हमने अपनी एक्सेल शीट को किस तरह फिल करना है। ये हमारा दराज जून का बैच है, तो इसके अंदर हमारी ये एक्सेल फाइल पड़ी हुई है, ठीक है। ये हमारी एक्सेल की फाइल है सर, मोहतरम सर, और इसको आज हम इंशाल्लाह इसके ऊपर हम काम करेंगे। अच्छा जी, मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं इस फाइल को मैं कॉपी कर लेता हूँ और मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ डाउनलोड्स के अंदर, ठीक है। मैं डाउनलोड्स के अंदर इसे पेस्ट करता हूँ और मैं इसका रीनेम कर देता हूँ मी बैंड, सही है। मेरी प्रोडक्ट का नाम ये है, तो मैंने इसका नाम रख दिया मी बैंड। ओके जी, तो अब मैंने अपने फाइल का नाम रख दिया, जो फाइल का नेम हमने वही रखना होता है जो हमारी प्रोडक्ट का नेम होता है, ठीक है, उससे आसानी हो जाती है। अच्छा, अब अच्छा ये वाला जो सेशन है, इस वाले क्योंकि अभी मीटिंग हमारी ख़त्म हो जाएगी, यानी कि ये वाला आज वाला जो वीडियो सेशन है वो हम यहीं तक रखते हैं। इसके बाद इंशाल्लाह जो अगला पार्ट होगा वो हम इंशाल्लाह आप अभी कंटिन्यू देखेंगे, तो इंशाल्लाह उसके अंदर हम बताएंगे कि हाउ टू फिल अ शीट, तो आप उसके अंदर उस पार्ट को देख लें।